हेलो यूट्यूब फैमिली, हम मलकुंड में पहुंच चुके हैं और मैं गुरुद्वारे के पास खड़ी हूं और आप देख सकते हैं यहां शाम के 6 बज चुके हैं। आज हम लोग मणिकर्ण नहीं रुकेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड मणिकर्ण आए हुए हैं। दोस्तों, मणिकर्ण के अंदर श्री रामचंद्र जी का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में जाने से पहले यहाँ पर प्राकृतिक रूप से गर्म पानी के कुंड हैं, जिन कुंडों में नहाने से आपके समस्त प्रकार की शारीरिक और अन्य बीमारियों को नाश होता है। यहाँ जो श्री राम जी का मंदिर है, आप देख आपने ग्रंथों या रामायण वगैरह में पढ़ा होगा कि श्री रामचंद्र जी भगवान श्री शिव शंकर जी की या महादेव जी की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए मणिकर्ण आया करते थे। दूसरा, मणिकर्ण के अंदर उनके गुरु वशिष्ठ जी का भी स्थान है, जिनसे प्रायः वो मिलने के लिए आते रहते थे। यह पूरा मंदिर पूर्ण रूप से पत्थरों से निर्मित है और बहुत अच्छी ही कलाकारियों से यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर महादेव जी का मंदिर भी है जो सामने स्थित है, करके यहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता है, करके महादेव की पूजा अर्चना करने से यहाँ पर सब दुखों का नाश होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं मंदिर प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर लंगर वगैरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ का भोजन इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है कि आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटलों को भी पीछे छोड़ देता है। यहाँ का प्रसाद या भोजन करने से मन को बहुत अच्छी शांति मिलती है। दोस्तों, अब शाम हो चुकी है, अब हम महादेव जी के मंदिर में चलते हैं। कहते हैं यहाँ पर कि महादेव जी और पार्वती माता जो है यहाँ पर मणिकर्ण में भ्रमण करने के लिए आए थे और उनको यहाँ का दृश्य इतना अद्भुत लगा कि उन्होंने यहाँ पर 11,000 वर्ष तक निवास किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यह प्रसाद बना हुआ है, यह प्रसाद भी बड़े ही अद्भुत तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर 100 डिग्री के जो चश्मे निकलते हैं, एक तरफ आप देख सकते हो कि बर्फ की तरह ठंडी पार्वती नदी और दूसरी तरफ आप 100 डिग्री सेल्सियस के चश्मे। इन चश्मों के अंदर जो है आप लंगर वगैरह का प्रसाद और मंदिर का प्रसाद तैयार किया जाता है। अगर आप देखते हैं यहाँ पर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी यहाँ पर आए और उन्होंने इस पानी के ऊपर रिसर्च किया कि क्या कारण है कि ये पानी इतना गर्म निकलता है या 100 डिग्री सेल्सियस में निकलता है। उन्होंने रिसर्च में पाया कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गैस के भंडार या गंधक वगैरह नहीं है जिससे ये पानी गर्म निकल रहा है। आप मेरे हाथ में जो पोटली देखी आपने, इस पोटली के अंदर चने और चावल डाले जाते हैं और उनको इस गर्म पानी के चश्मों में पकाया जाता है ताकि हमारी जो मनोकामना है, जो हमने मांगा हुआ है, वो हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस धार्मिक नगरी के अंदर बाजार भी बहुत अच्छा लगा हुआ है, जहां पर आपको गर्म कपड़े, गर्म शॉले कुल्लू की आपको यहाँ अच्छे प्राइस में मिल सकती है। दोस्तों, मैं अपने होटल के रूम के बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं और पहाड़ियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। क्या बोला? छोटी पीछे जो है ये नदी बह रही है और उस नदी के पास में आप देख सकते हो कि गर्म पानी के चश्मा निकल रहा है। गर्म पानी यहाँ से निकल रहा है, आप ध्यान से देखें आप तो ये गर्म पानी यहाँ निकल रहा है और जाकर और नहर में जाकर मिल रहा है, इस नदी में आकर मिल रहा है, आप ध्यान से देखिए। और ये नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, जो कि नदी के पानी को भी, उसका टेम्परेचर को भी मेंटेन कर रहा है।
ये आप ध्यान से देख सकते हैं। दोस्तों अभी आपको मैं यहाँ पर नैना भगवती देवी जी का मंदिर दिखाता हूँ। यह मंदिर पूरा पूरा लकड़ी का बना हुआ है, आप इसकी नक्काशी को देख सकते हैं कि एकदम से बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई है और बहुत ही अच्छा ऐसा महसूस होता है यहाँ पर जब आप आए आकर मंदिर के दर्शन करते हैं और यहाँ आकर बैठ। हेलो यूट्यूब चैनल, अभी मैं मणिकर्ण घूम रही हूँ, यहाँ का पता नहीं चलता मौसम में कब करवट बदलता है मौसम और कब बारिश हो जाएगी और कब धूप निकलेगी। अभी भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और पीछे पीछे मेरे हस्बैंड चले हुए हैं बगल में, ये देख सकते हैं आप। तो मणिकर्ण जो है 5,500 फीट की ऊंचाई पर है और ये दोनों पहाड़ी को जोड़ने के लिए रोप वे ब्रिज बनाया गया है। अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ और मेरे हस्बैंड का हाल ये है। हाँ दोस्तों अभी हम मणिकर्ण से निकल चुके हैं और बाया कुल्लू मनाली होते हुए 13,000 की फीट की ऊंचाई पर बर्फ की पहाड़ियों के बीच रोहतांग पास के पास जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले मेरे नए ब्लॉग नंबर 3 में रोहतांग पास के पास।